तो हमारा जो गेम प्ले है ना आज सीधी शुरू होगा सनर सिटी के अंदर से, और सनर सिटी मतलब सनर टाउन के अंदर से शुरू होकर हम लोग को जाना है कैरमेन टाउन के अंदर, जहाँ पे है प्रोफेसर हमारा वेट कर रहा है, प्रोफेसर ईले। और वहाँ पे येलो भी गया है और एक सरप्राइज ट्रेनर भी रहेगा, पता नहीं कौन सा सरप्राइज ट्रेनर होने वाला है। तो यार यहाँ पे हमारा जो वीना है वो लेवल इंक्रीमेंट करने वाला है। भाई ड्रैगनर तेरे को हो क्या गया भाई? भाई जब से यहाँ पे आया हूँ ना भाई लग रहा है कि ड्रैगनाइट नहीं बनने वाला यार, इतना जल्दी से डिफीट खा रहा है ना यार ड्रैगनाइट। मुझे लग रहा था एटलीस्ट मैं उसको लोरान रीजन के स्टार्टिंग में ड्रैगनाइट बना दूँ, लेकिन वो चीज़ें मुझे किधर भी आसपास नहीं दिख रही यार। ठीक है चलेगा, काम लेते हैं और ड्रैगनाइट को इवॉल्व डेफिनेटली करने वाले। डोगो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन ड्रोगो इसके लिए स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि उसको इवॉल्व किया हम लोग ने। और अभी क्या करने वाले, अभी हम लोग चेक करते हैं, रिवाइव लेते हैं, हाइपोपोशन देते हैं, लेकिन यार चेक करते भी आगे जाके शायद से पोकेमॉन सेंटर ना रहे और रहे भी तो पता नहीं यार, क्योंकि यार जो प्रोफेसर टाउन रहते हैं उनके अंदर रहते हैं सेंटर्स। लेकिन यार ठीक है देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो रिवाइव और हाइपोपोशन गया मेरा गंगा के पानी में। और रन कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है हम लोग को, मिल गया है क्लेंजिंग टैग। सो क्लेंजिंग टैग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डरता गोस्ट टाइप्स पोकेमॉन से। और हम लोग आ चुके हैं कैरमेन सिटी के अंदर, कैरमेन सिटी जो बोलना है वो बोलो। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पिकाचू के बारे में, जिस पिकाचू ने मेरा काटा था उसके बारे में यहाँ पे बात चल रही है। और मुझे लग रहा था पिकाचू हो पाएगा इवॉल्व, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। मैंने पोकेमॉन डायमंड में किया था पिकाचू को इवॉल्व यार, वो टीम मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे। मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं ठीक है भाई, ढूंढना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्विक क्लॉक के बारे में बात कर रहे हो, और यहाँ पे सीधा बेड है तो लोगों के बेडरूम में नहीं जाना होता, तो सीधा चलते हैं बाहर की तरफ और इस बंदे से बात कर लेते हैं। बंदे को बात नहीं कर ली, लोरान जिम जूडर्स के बारे में बात कर रहा है। भाई तुझे घंटा पता है लोरान के जिम जूडर के बारे में, तू लड़ा है उनसे? तो यहाँ पे क्या स्मेल, भाई स्मेल आ रही है इस बंदी को। यहाँ पे ट्रेनर्स और सीधा चलते हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा था नहीं मिलने वाला, लेकिन मिल गया हम लोग को पोकेमॉन सेंटर। यार ये गलत चीज़ होती है यार, ये बहुत ही गलत है। अभी कितने गए, रिवाइव 300 और हाइपोपोशन 400-500 समथिंग 800 गए, और यही वाला कमाने के लिए मुझे एक जूनियर को डिफीट करना पड़ता है। शेट क्या कर रहा हूँ मैं, चलते हैं अभी अंदर की तरफ और टाउन मैप देख लेते हैं। रिवाइव तो कर लिया मैंने, और इसके बाद है रॉकलेवी सिटी, और आ गया है फ्लेमरी सिटी और फ्लेमरी फॉरेस्ट। फ्लेमरी फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने मिलने वाली है, और मुझे लगता है जितना कि यार फ्लेमरी सिटी के अंदर, फ्लेमरी फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें भी है, आगे जगह पता चलेगी, अभी नहीं बताऊंगा। प्रोफेसर ईले, ओके प्रोफेसर ईले के साथ है यहाँ पे येल्लो एंड पर्ल। सो पर्ल के साथ हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि यार पर्ल के अंदर में, मतलब पर्ल के अंदर के बोल रहा हूँ, पर्ल के साथ मैंने आज तक कभी इंटरेक्ट नहीं किया था। आपको स्टार्टर मिलेंगे, तो यार आप कोई पोकेमॉन को स्विच करना चाहते हो, उसको अनाथ बनाना चाहते हो, तो अनाथ मत बनाओ, पीसी के अंदर रख दो और इस स्टार्टर को यूज़ कर सकते हो। मैं लूँगा हमेशा आशवाट को, क्योंकि यार ग्रास टाइप लेके रखा था, आशवाट को ले लेते हैं, क्योंकि यार फिलहाल भरोसा नहीं है मुझे मेरे माइलो पे। लेकिन यार माइलो को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बंदे ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी हमारी इसके खिलाफ, क्या बोलते हैं, एलिट फोर और चैंपियन के खिलाफ। तो वो एपिसोड चेक कर लो, ऐसे हेल्प की आपको पता चलेगा और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जा रहा है, ओके राइवल्स बता के जा रहे हैं भाई। पर्ल सीधा हम लोग को चैलेंज कर गया, पता नहीं हम लोग कौन है भाई, जर्नियर लीग के चैंपियन है, ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा हम लोग को यार, घंटा भाव नहीं, हम लोग इतना जीत के आए जर्नियर लीग के चैंपियन होके भी। और चलते हैं पीछे के साइड पे, और टीम रॉकेट वाला जो आशीर्वाद है वो ले लेंगे, दो तीन पोकेमॉन चुराने का सोच रहा था लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। तो चलते हैं हमारी जर्नी की तरफ, और रहना चाहिए था भाई ऑप्शन, टीम रॉकेट का गेम डेफिनेटली खेलने वाला हूँ मैं। ओके तू अभी जाने नहीं देगा, तू इतने एट में आ चुका है, तू अभी जाने नहीं देगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है लेकिन ये मुझे पहचानता नहीं। मुझे लगता है लोरान रीजन के अंदर जो न्यूज़पेपर रहता है ना, वो इतना ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता उसके अंदर। जेनिया रीजन में जो भी चीज़ें होती है लोरान रीजन में नहीं पता चलती। मैं चैंपियन यार क्या बातें कर रहे हैं, आइविसोर भाई, एक और आइविसोर आ गया, इसकी तो अलग से लूँगा। स्लिप पाउडर देते हैं इसको और डोगो पे स्विच करेंगे और सीधा एक फ्लेम थ्रो मारेंगे और टाटा बाय बाय कर देंगे इसको। लेवल 44 का आइविसोर है भाई, सोच समझ के डालियो ना सामने की तरफ। और यहाँ पे किधर तो पर्ल है जिसके से बैटल करनी है। ड्रैगन रेज पहुँच गया 50 पे और सीख रहा है आउटरेज, तो निकालेंगे ड्रैगन रेज को और उसको कचरे के डब्बे फेंकेंगे और आउटरेज को सिखा देंगे। आउटरेज के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी ज़रूर है, कंफ्यूजन मिल जाता है हम लोग को, लेकिन यार अच्छा खासा देखा जाए तो मूवसेट में एडअप हो जाता है आउटरेज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं मिलने वाली। यहाँ पे है कैकलियन, सो कैकलियन पकड़ना है तो बहुत ही चीज़ है, आप पकड़ सकते हो कैकलियन को। और यहाँ पे है बुनेरी नहीं पकड़ना है। और अगर आप टीम चेंज करना चाहते हो तो अभी आपके पास एडवांटेज है, अभी टीम चेंज कर लो, बाद में जाके आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पोकेमॉन आपको मिलने वाले हैं, तो अभी से सोच लो कौन से पोकेमॉन आप यूज़ करने वाला नहीं यूज़ करने वाला। मैरो को हरा दिया हम लोग के रिजर्व लीफ की मदद से,
और जैसे बात कर रहा था पर्ल मिलने वाली है भाई, चैलेंज करके गई थी तो डेफिनेटली हम लोग को मिलेगी पर्ल। और यहाँ पे सुपर पोशन, तो हमारे जो हाइपर पोशन सुपर पोशन का जो खर्चा था वो बच चुका है। और यहाँ पे आ चुका है ट्रैंक्विल, लेवल 37 का ट्रैंक्विल है, और उसको पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो भाई, ट्रैंक्विल यहाँ पे मिलते हैं, पकड़ लो। हिप्नो 43 लेवल का, उसको दो रेजर लीफ लगने वाले, क्योंकि हिप्नो अपना बंदा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प की उसने मेरी फायर रेड में, कितने टाइम पे उसको पकड़ा है मैंने। तो लक्सरी बॉल किस टाइम पे यूज़ कर सकते हो, स्नोलैक जैसे पोकेमॉन जो होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए आप लक्सरी बॉल को यूज़ कीजिएगा। तो अभी आ चुका है पर्ल के तरफ, और पर्ल के पास है एक स्टार्टर, पता नहीं कौन सा स्टार्टर लिया था उसने, लेकिन यार डेफिनेटली यूज़ करेगी वो स्टार्टर, अगर नहीं यूज़ करी तो डेफिनेटली गंदी ट्रेनर है ये। मैं गंदा ट्रेनर नहीं हूँ, मैं मेरा स्टार्टर यूज़ कर रहा हूँ, और उसने अपना स्टार्टर यूज़ नहीं किया। लेकिन पर्ल के पास शायद से बहुत ज़्यादा पोकेमॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना हल्का फुल्का नहीं लेंगे वो लोग, हम लोग चैंपियन हैं, ये मैं 7-8 बार बोल चुका हूँ अभी तक। और आर्केनाइन को हरा दिया हम लोग ने, और ड्रैगन एयर और लुकारी का लेवल आसमान छू रहे हैं। सेप्टाइल जैसे मैं बोल रहा था भाई, इस बंदी ने नहीं लिया अपना स्टार्टर, गंदी ट्रेनर। सेप्टाइल को फ्लेम थ्रो से हरा देंगे, और डिटेक्ट अटैक, भाई डिटेक्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है, और ये दो फ्लेम थ्रोर, और इसी के साथ डोगो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, और मुझे लगता है कि डोगो एटलीस्ट 60-70 पहुंच जाएगा एंड ऑफ द लोरान रीजन के अंदर। और ये पर्ल हमेशा हम लोग को चैलेंज करती रहेगी, तो पता नहीं कितना चैलेंज करने वाली है। और आज का एपिसोड मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ही थोड़ा सा अंत कर दूँ, क्योंकि यार अभी आगे जाने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और जितना ज़्यादा मैं जर्नी को कवर करने की कोशिश करूँगा इस बार, तो चेक कर दे कितना फटाक से इस गेम प्ले को कवर कर पाते या नहीं कर पाते। और डेफिनेटली ये गेम तो ईजी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा, पता नहीं यार पोकेमॉन चैंपियनशिप में हार्ड गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो आज का एपिसोड को यही खत्म कर देते, टाउन मैप देखते लास्ट टाइम जाते टाइम पे, और सॉरी रीजन मैप देख लेते पूरा का पूरा। और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को फ्लेमरी सिटी की तरफ जाना पड़ेगा, उसके बाद आता है फ्लेमरी फॉरेस्ट, मुझे लगा था पहले फ्लेमरी फॉरेस्ट आता है उसके बाद फ्लेमरी सिटी आती है, सेव कर लेते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। लेकिन तब तक के लिए आप 3 काम कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। और एक मेगा काम करना है आपको, बड़ा वाला काम, मेगा एवोल्यूशन वाला काम करना है आपको, सब्सक्राइब बटन में प्रेस कर देना है, क्योंकि गाइस सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी आपके भाई को, और वो ज़्यादा चाहिए फिलहाल तो। और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।